शादी ब्याह के शो आपने बहुत देखे होंगे, पर आज का शो है जरा हटके। आम तौर पर हम सिर्फ दुल्हनों की बात करते हैं, पर आज दुल्हे मियां भी महफिल की बनेंगे रौनक। शादी में दो ही अहम शख्सियात होती हैं, एक दुल्हा और दूसरी दुल्हन। और जो अहम होता है उसकी तैयारी भी होती है सबसे अलग। तो जनाब, दुल्हा दुल्हन के कपड़े होते हैं सबसे मुनफरिद और नुमायां। मेहंदी माइयों के कपड़े होते हैं अलग और बारात वलीमा के कपड़े अलग। शरारे, गरारे, साड़ी, मैक्सी और फ्रॉक, ये वो तमाम स्टाइल्स हैं जिनके तरह तरह के डिजाइन हमारे यहाँ की दुल्हनें अपनी शादी की मुख्तलिफ तकरीबात में पहनती हैं। और नौशे मियाँ आम तौर पर मेहंदी माइयों में कुर्ते और उनपे पटके, बारात में शेरवानी और कुले, और वलीमे में वेस्टर्न स्टाइल की ड्रेसिंग करते हैं जैसे कि थ्री पीस सूट वगैरह। आइए आज के शो में हम आपको अपने खूबसूरत मेहमानों से मिलवाते हैं, बात करते हैं उन्होंने शादी पे क्या पहना। और आज हमारे जबरदस्त डिजाइनर की ब्राइडल और ग्रूम कलेक्शन हम आपके लिए ला रहे हैं पाकिस्तान के नंबर वन मॉर्निंग शो आपका साहिर में। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे संवार लूं, हर रंग का रंग निखार लूं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए।
गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी तालियां रुबाब के लिए, बहुत सारी तालियां जी। है और आज दीपक एंड फादर है, सो डॉक्टर दीपक के लिए बहुत सारी तालियां, फादर के लिए बहुत सारी, एंड देन ऑफ कोर्स सुंदर के लिए बहुत सारी तालियां जी। और वंडरफुल सॉन्ग यू सॉन्ग। और आज आप लोगों की तबीयत का शो है, आज आप लोगों के मतलब का शो है, क्योंकि आज कितने कितनी ब्राइड्स हैं हमारे पास? 10 ब्राइड्स। कितनी? 10 ब्राइड्स आर हियर। और ग्रूम्स भी हैं, और वो कितने? 10। 10 ब्राइड और 10 ग्रूम्स आज यहाँ मौजूद हैं। लेकिन शादी के बारे में मेरी सिर्फ एक ही राय है, अगर आपकी नहीं है तो बहुत अच्छी है, और अगर आपकी है तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह मियाँ मुश्किलें आसान करता है, इंशाल्लाह आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे सीधे देंगे इसके, अब शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, इनफैक्ट रमज़ान जैसे ही ख़त्म होंगे, ईद जैसी आएगी वैसी शादियाँ आ जाएंगी। तो हमने सोचा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डिज़ाइनर्स को यहाँ लेके आया जाए और उनसे बात की जाए कि आप शादियों पे पहनेंगे क्या, कौन से रंग आप इस्तेमाल करेंगे, आपका साइज़ या आपका फिगर कैसा भी है, आइए बात करते हैं और जानते हैं कि दरअसल शादियों के अंदर अब जो पहनावा वो किस तरह, और आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले शायद आपने कहीं नहीं देखी होंगी, सिवाय जो ब्राइडल कुटूर शोज़ होते हैं उसके अंदर वो नज़र आती हैं। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कुछ डिफरेंट स्टाइल के कपड़े हैं, कुछ डिफरेंट स्टाइल के डिज़ाइंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले आपको कहीं नहीं देखने को मिली, आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। और साथ साथ क्या है, सोते हुए आओ क्या, तालियां बजाओ ना सही से, ढंग से बजाओ क्या यार, मतलब ऐसे बजा रहे हो तुम लोग, क्या है ये? तुम लोग को याद होना चाहिए मेरा शो, और तुम लोग बिल्कुल नहीं बजाओगे तालियां। बेटा बेटा अभी वो वक्त नहीं आया, तुम्हारी बीवियां नहीं हैं, तुम्हारी शादी को 10 साल नहीं हुए, जब हो जाएंगे तो फिर तुम चुप रहना। वैसे तो शादी की खामोशी के लिए 10 साल की जरूरत नहीं है, अगर बीवी खौफनाक हो तो 10 मिनट में भी बंदा चुप हो जाता है। और क्या सारे हस्बैंड चुप करके बैठे, अब तो आ गए हो ना, 11 बजे से पहले तुम यहाँ छोड़ने वाले नहीं है। सी द थिंग इज कि जब तुम पानी के ना होने को एंजॉय कर सकते हो, बिजली के ना होने को एंजॉय कर सकते हो, नौकरी के ना होने को एंजॉय कर सकते हो, तो यार शो में होने को तो एंजॉय कर लो। और आज हम दीपक और फहद की तरफ से आपको 10 ब्राइडल जोड़े भी देने जा रहे हैं। गर्दन इतनी दूर के लगे क्या हुआ? नहीं ओके कह रहे हैं ओके। आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हम लोग देने जा रहे हैं। एक ऐसी कैंपेन है जो मैं चला रहा हूँ और वो आपको थोड़े दिन में पता चलेगा, इट्स नो जहेज शादी कैंपेन, आई एम ड्राइविंग दैट कैंपेन, बिकॉज आइए मिलके काम करते हैं ना, बहुत हो गई बातें यार, अगर हमको शादियाँ करवानी है तो फिर कुछ ऐसी शादियाँ करवाएं जो वाकई बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जोर से तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू गाइस रेडी? हो जाए। दीपक और फहद की कलेक्शन देखनी है तो इस बार हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इस बार हम आपको ब्राइड्स भी दिखा रहे हैं और साथ साथ ग्रूम्स भी दिखा रहे हैं। द होल आइडिया इज फॉर यू टू नो कि आप देखें कि शादियों में आप कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने भाई के लिए आप क्या बना सकते हैं, अपनी बहन के लिए क्या बना सकते हैं, आपकी अपनी शादी है तो उसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनेस्ट कलेक्शन है और उसके बाद उस कलेक्शन के बारे में बात भी करेंगे। दिस इज कॉल्ड रेड, इज इट रेड? द कलेक्शन नेम इज ताजवर्दी, द कलेक्शन नेम इज ताजवर्दी। वाओ जी, ठीक है, सो कैन वी डू दिस? आप लोग की तालियां बताएंगे, कैन वी डू दिस? ऑलराइट, आइए आपकी तालियों में लेट्स बिगिन।
Roll the music, G. 1, 2, 3, go! Ladies and gentlemen, please put your hands together for wearing Deepak and Fahad, Fabiha Majid. Ladies and gentlemen, Bilal Iqbal. Ladies and gentlemen, Zabi. Ladies and gentlemen, Shirzi Lehman. Tanya Farid. Ladies and gentlemen, Adnan Khan. Ladies and gentlemen, Ikra.
Umair Malik. Ladies and gentlemen, Farha. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Awesome! And ladies and gentlemen, put your hands together for Sahir and Lodhi. All right, see, that was nice actually. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तुम लोगों की तरह मैं handsome नहीं हूँ. अगर मैं handsome होता ना, फिर देखते तुम कैसे शोर होता है ऐसे. बताओ, बताओ. Yeah. All right, कैसा लगा आप लोगों को? सबसे पहले बताएं कैसा लगा? ये माइक मुझे दीजिएगा, माइक मुझे दीजिएगा. ना इमेजिन कीजिए कि ऐसे ही सूट्स आप ओन कर सकते हैं. कैसे ओन कर सकते हैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद. लेकिन जाना कहीं नहीं, यहीं पे रहना है, क्योंकि जबी तो पार्टी. थोड़ा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. आपको आपको कैसा लगा ये सब? Beautiful, a lovely collection, awesome. हर जोड़ा हर एक से मुख्तलिफ है. Amazing, beautiful guys. This also, it's amazing. I love yours. बिलाल कमाल है यार, बहुत अच्छा है. I love this specially. ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. That's also very nice. Amazing, just amazing. All of it, all of it. That one is also very nice. दीपक एंड फहद, प्लीज बताइए किनको पहले बुलाया जाए, किन से बात की जाए. क्या हम दो दो करके बुलाएं या एक करके बुलाएं? अच्छा, let's call Fabiha and Bilal first. आप लोग दोनों प्लीज आ जाइए. This is a bridal and groom dress, ना? ठीक है, तो प्लीज जरा आके बताइएगा, थोड़ा सा बताइए कि है क्या, किस तरह से किया है. बेसिकली फुल लेंथ पैनल शर्ट है. इसके ऊपर बॉडीज पर सारा काम हुआ है और नीचे भी सारा ये जो सारा काम ही हुआ है. और बाकी इसको दो डुपट्टों की स्टाइलाइज किया हुआ है, एक ये रॉस सिल्क का है और दूसरा शिफॉन का है. उसके साथ सारा काम हुआ है. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, अमेजिंग वर्क. एंड दीपक थोड़ा सा बता दीजिएगा. सर, जो हमने लड़कों को जो आउटफिट ट्राई करवाए, बेसिकली हमने डिफरेंट चीज़ें बनाने की कोशिश की. अब अगर जितने भी लड़के आप चेक करेंगे, ये जो शेरवानी है, बेसिकली क्रॉस कट शेरवानी विद स्ट्रेट पैंट्स, और इस पर कॉलर पे काम. एंड द फैब्रिक वी यूज करंडी एथलेस. डिफरेंट एज के बंदे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वेयर करने में. या अच्छा, जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लग रही है, बहुत सटल कलर्स हैं. मतलब लग हैं तो बहुत अग्रेसिव कलर्स, येट देयर वेरी सटल. बहुत बहुत खूबसूरत है. एक तो स्टाइलाइज बहुत एलिगेंट तरीके से किए गए हैं. दूसरा जो है, वेडिंग में आप जितना रॉयल लगते हो उतना आप अच्छे लगते हो. तो रेड्स, गोल्ड, जो सारी शेड रहते हैं, इसमें आप बहुत रीगल लगते हो. अच्छा, आजकल जो शादियाँ होती हैं उसमें नॉर्मली रेड को यूज़ किया जा रहा है, और आर यू गाइस ब्रिंगिंग इट बैक? वी आर ब्रिंगिंग इट बैक. या क्योंकि हाँ, क्योंकि आजकल यूज़ एक्चुअली हो नहीं रहा है. अच्छा, यूज़ नहीं हो रहा है? नहीं, बिकॉज ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स हैं ना, वो मॉडर्न
मॉडर्न ब्राइडल वेयर में ना पेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि मेरा ख्याल अगर आप मॉडर्न हो भी रहे हो तो साथ साथ ट्रेडिशंस के साथ रहो तो ज़्यादा बेहतर है. Zabian Shaji, please you come forward. आप लोगों को इधर ही रहना पड़ेगा. Zabian Shaji, please you come forward. Okay. ये एक अनरखा स्टाइल शर्ट है. इसके नीचे ढाका पजामा है, टेल के साथ है और इसके साथ मरून दुपट्टा है. बाकी इस पर सारा जरदोजी का काम हुआ है. हैंड, ये पूरा हैंड वर्क है. I love it. आगे से ऊंचा है, पीछे से इतना लंबा है. ये टर्न करे. बताएं. It has a tail also. ये 3 months में फिनिश हुआ था. आपको याद है आपने क्या पहना था? मैंने यही कलर का जोड़ा अपनी शादी पे पहना. Really? Yeah. Wow. मैं वो सोचूंगी अब चीजें वो वापस से इन हो रही हैं. वही कलर्स, वही काम, वही सारी चीजें वापस से इन हो रही, वही कट्स जो आज से आई थिंक इतने साल पहले था. तो मेरा शादी का कलर एग्जैक्टली यही था और मैंने साथ कोई कंट्रास्ट नहीं किया था, तो बिल्कुल सेम ही कलर था. अच्छा, ये कितने दिन में बन जाता है? अप्रोक्सीमेटली 3 months में एक जोड़ा. एक जोड़ा. Whoa. It's very heavy also, agar aapko. Yaar, taaliyon mein kanjoosi na karo. Main to kahi yaar, taaliyon mein kanjoosi na karo. Yaar, taaliyon mein baaki kanjoosi hai yaar. Aaj bahut kanjoosi taaliyon. Aaj jo sabse zyada taaliyan bajayega, usko ek Deepak and Fahad ki taraf se joda milega. That's it. थोड़ा सा शकील ने जो पहना हुआ है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. शकील को हमने प्रिंस कोट पहना है विद शॉर्ट लेंथ कुर्ता विद स्ट्रेट पजामा और ये बेसिक इसमें कॉलर और स्लीव्स पे काम है. अब ये जो अब देखे होंगे लोगों शेरवानी के नीचे या प्रिंस कोट के नीचे ज़्यादातर शलवार पहनते हैं तो थोड़ा रॉयलनेस खत्म हो जाती है. तो अब थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम लोगों ने पजामा स्ट्रेट पैंट चूज किया. वंडरफुल. थैंक यू. तानिया नदान, प्लीज कम फॉरवर्ड. तानिया ने जो पहना है, तानिया का कंट्रास्ट में ही पूरा गोल्ड शिमरे पे नेट शिमरे पे दुपट्टा है. इसके अलावा पूरा पैनल है, इस पर भी बहुत बड़ी पीछे टेल है और सामने आगे कठवा का काम हुआ हुआ है और बाकी इट्स ऑल हैंड एम्ब्रॉयडर्ड और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 मंथ में बनता है. ढाई महीने में मिनिमम. बिकॉज ऑल हैंड वर्क. दैट्स मिनिमम. हां, दैट्स मिनिमम. डिपेंड ऑन द कराची के हालात. कराची के हालात, बिजली के हालात, वर्कर्स के हालात, वो तो मजबूरी है. एक बात बताइए मुझे. I like it. कौन है जो इससे कंगा करता है एक्चुअली? ये टाइम है कि इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए चिर से ही या इसे रगड़ रगड़ के धोइए. एनीवे जी प्लीज बताइएगा थोड़ा सा. सॉरी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. ढाई महीने में बनता है. और ये अच्छा, इसका दुपट्टा जो है ये कंट्रास्ट में पूरा. इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. लुक एट दिस. वाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अमेजिंग, अमेजिंग. सर इसको जब हमने वेस्टकोट पहनाई है, बेसिकली द फैब्रिक वी यूज रॉ सिल्क है. एम्ब्रॉयडर्ड इसलिए है ताकि इसके शॉल के साथ आप पेयर अप करके थोड़ा सा ग्रूम टच आ सकता है. अच्छा, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यू नो, कलर एक जैसे लगने चाहिए, बट द बेस्ट पार्ट इज कि ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. क्योंकि जो सेम आजकल चल रहा है ना, उसमें क्या होता है पिक्चर्स में, मतलब बहन भाई तो है नहीं, तो कलर ऐसे पिक करने चाहिए जो आइए प्लीज, आइए आइए. थैंक यू. इकरा नुमैर, प्लीज कम फॉरवर्ड. आइए गजर, थोड़ा सा इकरा उधर हो जाइए प्लीज. हाँ जी, इकरा का ड्रेस थोड़ा लाइट रखा हमने. कुछ ब्राइड्स होती हैं जिनको थोड़ा लाइट ड्रेसेस पहनना होता है, कुछ को बहुत हैवी होता है. तो इनकी शॉर्ट शर्ट है, उस पर सारा हैंडवर्क है, बाकी दुपट्टा काम है. इनका लोअर हमने जो है ढाका पजामा है, बिल्कुल प्लेन रखा था हमने. वेरी कूल जी, वेरी कूल सर. दिस इज द मोस्ट इंट्रीगिंग आउटफिट यू हैव. अब आपने बोल दिया ना ये जोड़ा मिलेगा तो तालियां. मैं सच में दूंगा, जोर से बजानी है. मैं कह रही हूँ मजे की बात ये एक लग रही है आउटफिट्स में कि आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं. आप इसको लहंगे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रेट पैंट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, चूड़ीदार पजामे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. आप इसको इसी तरह यूज़ नहीं कर सकते. शर्ट्स की लेंथ
कट्स इतने अच्छे हैं कि आप इसको डबल, ज़रूरी नहीं है आप कहें कि जी शादी का जोड़ा है तो आप इसको संभाल के रख दें, हम लहंगा हर जगह नहीं पहन सकते, तो आप इसको बहुत तरीके से पहन सकते हैं। नहीं मैं मैं तो लहंगा कहीं भी नहीं पहन सकता मैं नहीं पहन सकता, बट यू नो प्लीज थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। सफार ने भी बताया कि हमने कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं कि लाइटर पसंद करती हैं, तो इसी तरह हमने इनको भी वैसे पेयर अप करने की कोशिश की है। नो का आर्म्स फैब्रिक हमने यूटिलाइज किया है, उसी को ही करंडी अतलस की वी पैंट्स बनाई हैं ताकि जी जी जी, और साथ में क्रॉस कट प्रिंस कोट बनाया है ताकि डिफरेंट ओकेजंस पे ये वेयर कर सके। वाह, कैन यू वेयर दिस कोट विद द ब्लैक सलवार कमीज एज़ वेल? यस, अमेजिंग यार, अमेजिंग। आई फराह एंड आसिम प्लीज कम फॉरवर्ड। आई आई लव दिस लहंगा, मैं तो इसको लेके जा रही हूँ। तालियां बजाइएगी। ओके, सबसे ज़्यादा हेवी पीस है हमारा, ये पूरा 10 यार्ड्स पे बना हुआ है। ओके, तो इसका सर्कल पूरा 360 डिग्री आता है, इस पर गोटे का काम हुआ हुआ है, पर्ल्स का काम हुआ हुआ है, इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा हेवी है, अगर आप देखोगे प्लीज़ टर्न आउट, तो ये इस पर पूरा जाल बना हुआ है, उस तक घूम जाएगा कैमरे की तरफ, इस पर पूरा जाल बना हुआ है, तो ये पूरा बहुत हेवी ड्रेस है और ये तकरीबन 6 मंथ्स में कम्प्लीट होता है। सर कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो कहती है हम डिसेंट और सोबर आउटफिट पहनना चाहेंगे, तो ये उनमें से एक है, प्लेन सलवार कमीज के साथ विथ शॉर्ट लेंथ शेरवानी, शॉर्ट लेंथ वेस्ट कोट और बेसिक शेरवानी पहन सकते हैं विथ मिनिमल वर्क। इट्स अमेजिंग यार, और सम हाउ ये ग्रूम की लुक भी पूरी हो जाती है साथ साथ यार, इसी कोई अगर आप शॉल या फिर टर्बन पहना दें तो थोड़ा और रॉयलनेस आ जाती है। अमेजिंग यार। अब हमारे पास अगर टाइम है बंद नहीं होंगी, तालियां बंद नहीं होंगी। हमारे पास अगर टाइम है तो मैं ये चाहता हूँ, मुझे बता दीजिएगा, हमारे पास अगर टाइम है तो मैं ये चाहता हूँ कि एक साथ ब्राइड एंड ग्रूम की वॉक करवाई जाए, क्या ख्याल है? अच्छा एक काम करते हैं, जब हम वापस आते हैं तो इसी तरह से रहेंगे, ब्राइड एंड ग्रूम की वॉक होगी यहीं, इसके बाद ये लोग चले जाएंगे और नए लुक के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमारे पास आपके लिए क्या है। छोटा सा एक ब्रेक, आप समय कर देते हैं। All right, ladies and gentlemen, are you guys ready? Hey. To see the bride and the groom, are you guys ready? Hey. All right then, ladies and gentlemen, here we go. Please put your hands together for Babia Majid and Bilal Iqbal, wearing Deepak and Fahad. Zabi and Shirjeel Ahmad.
gentlemen, please put your hands together for Tanya Farid and Adnan Khan. Ikra and Umar Malik. And Farah. Did you like it? कैसा लगा आपको? Amazing. Yeah. Literally. Well done, guys. So amazing, यार. Honestly, वाकई बहुत खूबसूरत सुंदर. What do you think? जबरदस्त. इतने अच्छे colours हैं. और वो जो एक सबसे पहले जो Fabian ने I think पहना हुआ था red, hot red. वो तो कमाल है. Awesome. खूबसूरत तरी. Which one did you like the most? The Angarkha one. The last one. The last one. No. The Angarkha one. The third one. जो शादी पे अपने colours same पहना था वो. हाँ, इसी पर. नहीं, but I love the style. I love the cut. Beautiful. Thank you. It's amazing. आप लोगों को कैसा लगा? और आप लोगों को ये कैसा लगेगा? आपके लिए. कर दे बंद कर दे. ये आपके लिए. आप में से प्यार किस किसने किया? हाथ उठाइए. एक बार फिर. Alright. प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ
तेरा बोल दीजिए तो पर सबके आपको याद रहेगा ना एसन भाई बहुत शुक्रिया आपसे मैं इतना प्यार करता हूँ कि कोई है नहीं एसन भाई के लिए बहुत सारी तालियां बहुत सारी कहो के अपनी रीत का गीत न बदलेगा कभी तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी जो छूटा जो रूठा चांद निकलेगा कभी प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से दिल क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल ऑलराइट आई होप कि आप लोगों को हमारे मनोरंजन पसंद आया हो बहुत ज्यादा दैट्स गुड लेकिन इसका सारा क्रेडिट एसन भाई को याद जाता है क्योंकि आधे गाने मैंने याद नहीं था कि क्या बजाना है तो प्लीज इनके लिए बहुत सारी तालियां वी लव हिम अच्छा अभी बताइए आजकल व्हाट्स इन व्हाट्स आउट कलर्स में बेसिकली आप अगर कलर चूज करो तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी टाइप देखनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं उस वजह से कलर जिस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा तो बॉडी जिसमें ज़्यादा अच्छी लग रही कॉम्प्लेक्शन जिसमें आपका ज़्यादा अच्छा लगता है उस तरीके से जनरली लोग इतना फॉलो नहीं करते इन चीज़ों को रियली या ट्रेंड इतना फॉलो नहीं तो एक्सपेरिमेंटल नहीं है आगे लोग मतलब जितनी भी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे वो ज़्यादा बेसिक पे ही जाएंगे अगर किसी को भी बोल देंगे गो फॉर पिंक शर्ट येलो या पीच कुछ भी बोलेंगे नहीं यार मैं वाइट या ब्लैक ही पहनूंगा मैं इसी में से ही तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जब तक आप नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा रुबाब आप बहुत सारे रैम्स करती हैं तो टेल मी आजकल किस तरह के ट्रेंड्स हैं क्या होता है ब्राइडल टैटू भी आप लोग करते होंगे तो व्हाट हाउ डज इट लुक देखिए वही बिल्कुल है ना दीपक ने बिल्कुल सही बात करी कि लोग जो है एक तो मतलब वैसे रिच और ब्राइट कलर्स और ये सादा ब्राइड्स के लिए तो यही ज़्यादा इन होते हैं बट आई डोंट नो कि लोग डिज़ाइनर के क्यों नहीं सुनते या उसी पे फोकस करके क्यों आते हैं कि नहीं हमें तो यही पहनना है और जबकि डिज़ाइनर को ज़्यादा बेहतर पता होता है कि उसको उन पे क्या सूट करेगा उसको क्या कट सूट करेंगे कि आपकी बॉडी शेप क्या है मगर लोग समझते हैं कि नहीं हम यही पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे बट मैं कहती हूँ कि सबसे बेटर जज करने वाले डिज़ाइनर्स होते हैं क्योंकि हमें भी ये लोग बताते हैं सीरियसली
कि ये जोड़ा हम पे आउटफिट ये सूट करेगा, क्योंकि इनको ज्यादा बेहतर पता है कि कौन से कट्स किस बॉडी पे सूट करते हैं। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, प्लीज अगर ले सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रही है? थोड़ा सा अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे तो आपकी आवाज बड़ी क्लियर आएगी। कहाँ से बात कर रही है, कौन बात कर रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज? बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मुझे शायर भाई से दिक्कत करनी है कि मेरी शादी है 2 मंथ के बाद, तो प्लीज मुझे गिफ्ट करें तो सकते हैं जी साहेब आपकी तरफ। अरे आपकी कॉल है, आप लेना। नहीं, उन्होंने बोला है कि मुझे तो साहिर से सूट चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला है मेरी शादी भी हो, मेरी शादी भी हो रही है 2 महीने बाद, उनकी शादी हो रही है। 2 महीने बाद शादी है? 2 महीने पहले शादी कर चुकी हूं। कर चुकी? 2 महीने बाद उनकी शादी है, सूट चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए आपको? मैं आपको ड्रेस बिल्कुल दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपने मुझे कॉल करनी है, आपका नंबर हमारे पास होगा, हम इंशाल्लाह आपसे कॉल करते हैं और बात करते हैं और आपको जरूर हम देंगे। मैंने आपसे कहा है, आपसे प्रॉमिस किया है। आई एम गोइंग टू लव यू टू दैट। और जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेचुलेशंस जनाब, बहुत सारी तालियां। मेरे ख्याल से हम उनको जोड़ा भी दे सकते हैं जो कोई स्पेशल बात बताएं अपनी शादी के हवाले से। ठीक है कि भाई क्या कोई स्पेशल चीज होने वाली है, शादी का कोई सबसे अच्छा जोक सुना दे उसको भी दे सकते हैं हम। बहुत सारी चीजें होती हैं यार, अगर आपकी शादी ना है तो पूरी शादी बहुत अच्छी लेकिन आपकी अगर ना हो तो एक छोटा सा ऐसा नहीं है। सच मैं आपको बताऊं कि एट द एंड ऑफ द डे शादी दुनिया का सबसे मुकद्दस बंद है और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसी चीजें अगर उसको अच्छी तरीके से लेके चला जाए, ये रिश्ते को आप अच्छी तरीके से लेके चलें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल रिश्ता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद हमारी सेकंड जो वॉक है वो तैयार है, वो कपड़े तैयार हैं। अब आपको दिखाएंगे कि दीपक और फहद के पास और कौन सी कलेक्शन है। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तालियों में कंजूसी होगी तो ड्रेस नहीं मिलेगा, बता रहा हूं। नहीं, अगर कहीं से भी ये समझा जा रहा है कि हम आपको ड्रेस ऐसे ही दे देंगे तो बहुत गलत है। रुबाब अगर कंजूसी होगी तो नहीं मिलने वाला ना, तो बजा के दिखाओ जरा। अच्छा, और वो लोग जो मुझे टेलीविजन पे देख रहे हैं उनके पास ये आखिरी मौका है दीपक और फहद का ड्रेस जीतने का। अगर आपकी शादी हो रही है या होने वाली है या फिर आपके प्लान्स हैं शादी के या आपको किसी शादी में जाना है और आप दुनिया के सबसे हसीन ड्रेस को वेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमें कॉल करनी पड़ेगी। और जरा थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा फन करते हैं। हम लोग दोनों मिलके ये रुबाब के लिए गाना गा रहे हैं, सही है? सीरियसली, हाँ यार, तो क्या है यार, कर सकते हैं ना। और आपके लिए, और आपके लिए दीपक एंड फहद, यू कैन कम इन। अगर आपका काम हो गया तो आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए प्लीज। अच्छा, 1 मिनट, ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये जो कलेक्शन इनकी है ये बड़ी कमाल कलेक्शन है, इससे पहले आपने ऐसी कलेक्शन कहीं नहीं देखी है। आई कैन प्रॉमिस यू, ये भी ब्राइडल कलेक्शन है और ये ऐसी कलेक्शन है जो इस लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो ये आपको जो ब्राइडल कटूर शोज होते हैं उसके अंदर नजर आती है, या फिर ये आप अगर डिजाइनर के पास स्पेसिफिकली जाएं तब नजर आएगी। ऐसी कलेक्शन आपने नहीं देखी होगी, आई प्रॉमिस यू दैट। मेरे पास कुछ लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ पता चल सके। यहाँ पर तमाम लोग, तमाम मॉडल्स जो हैं वो तैयार हैं। थोड़ा सा वेट है, 2 मॉडल्स का वेट है, वो जैसे ही आ जाएंगे हम लोग वॉक शुरू कर देंगे। सो नॉट टू बी वरीड, तालियां आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आज लगता है तुम लोगों को ये जोड़े वोड़े नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए तो बजाओ। मेरा माइक खोल दीजिए, खोल दीजिए। और उनको जोड़े मिले यार, तो शोर तो करो यार, क्या यार। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे,
मेरी जान मेरे दिलबर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो आपके लिए खोल दीजिए माइक दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तुम भी तारों को तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं से तुझे चुरा लूं थोड़ा इंतजार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितनी बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तेरी राहों से तेरी बाहों से यूं न जाऊंगा मैं ये इरादा है मेरा वादा है लौट आऊंगा मैं थैंक यू सुंदर बहुत बहुत शुक्रिया इसको खोल दो क्या हो गया खोल दो इसको क्या हो गया कोई बात नहीं ऐसा तो हो जाता है आज तो सारे पागल हुए ना देख देख के सुंदर बहुत सुंदर ने बहुत अच्छा कहा सुंदर के लिए बहुत सारी तालियां जी आपने इतना अच्छा गाया कि हम लोग सब मिल के आपके घर आएंगे और फिर वहां पर आके सुनेंगे बिकॉज ऑनेस्टली यू गाइस यू हैव संग रियली वेल अच्छा जी आर वी गाइस रेडी मेरे रश के कमर लगा दीजिएगा आर यू गाइस रेडी रेडी कर ले और क्या कहते हो कर ले All right, ladies and gentlemen, please put your hands together for once again. Mabiha Majid. Here we go.
Ram and Bilal Iqbal. Sugar for Zaidi. Gentlemen, put your hands together for Tanya Fareed.
Umar Malik. वो जो नहीं लेते, जो ब्रेक लेते हैं सिर्फ उन्हीं को तनख्वाह मिलती है, जो ब्रेक नहीं लेते उनकी तनख्वाह रोक दी जाती है। आइए ब्रेक लेते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो फन को एंजॉय करते हैं और तालियां बजाते हैं, और दूसरे वो लोग चुप करके जो बैठे रहते हैं। आप लोग कौन से लोग हैं? आ जाएं सर, कर लें। जेबी एंड बिलाल आइए प्लीज। एक मिनट, इसको ऊंचा करो सर प्लीज। यू गाइस हैव टू स्टैंड हियर। जुलाई का इंतजार करो, जुलाई का बताऊंगा। या जुलाई का इंतजार करो। याद है वो आखिरी वाला जुमला जो मैंने कहा था? याद है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मैं यहां पर कैसे पहुंचा, मैं कैसे बचा सोच तो रहे होगे, पर ऐसी जल्दी भी क्या है, अगली बार बता दूंगा। क्योंकि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, ये वाले नहीं होते। anyway, प्लीज आ जाइए। लेट्स फाइंड आउट। हाँ जी, जेबी एंड बिलाल बहुत हसीन लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। आई लव दिस ड्रेस। व्हाट डू यू थिंक? अगेन इज रेड एंड गोल्ड, ब्यूटीफुल कलेक्शन। और ये बिल्कुल उस पहली कलेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट कलेक्शन है, और बड़ी रॉयल
और बड़ी मुगलिया टाइप की कलेक्शन है ये. थैंक यू सो मच. ये बेसिकली अरे मुबारक हो आप लोग यहाँ बैठे. वेरी नाइस. ये बेसिकली जो है फॉर्मल लुक से ब्राइडल नहीं है तो ये थोड़ा लाइट रखा हम लोग ने. इनका दुपट्टा थोड़ा सा लाइट है. उनकी भी लुक थोड़ी सी लाइट ही रखी हुई है क्योंकि ये फॉर्मल है. बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत हसीन सर. जी सर, इस आउटफिट की सबसे जो डिफरेंट शेड जो मैं पॉइंट बताना चाहूँगा, जो ये टेक्निक यूज़ की है ना क्विल्टिंग, जो मोस्टली शेरवानीज और प्रिंस कोट या जैकेट्स में लोग नहीं इस्तेमाल करते, तो आई थिंक टू क्रिएट दैट लुक हम लोगों ने ये टेक्निक विद द वर्क ताकि मिनिमल भी हो और कलर भी अच्छा हो, सटल भी लगे और वेयरेबल भी आए. भाई सिंपल सी बात है, आई वुड डेफिनेटली वेयर दिस बिकॉज ये बहुत बहुत खूबसूरत है. बहुत आइए जी फबिया एंड यू शुड बी आइए प्लीज. जी बताइए. फविया ने जो है तीन लेयर्स पे ड्रेस पहना हुआ है. ये मैसूरी नेट पे जैकेट है, उसके नीचे एक मैं माइक ले लूँ. मैं पूछना चाहता हूँ फविया से, इज इट रियली हैवी? बहुत हैवी है. बहुत ज़्यादा हैवी है. बट यू आर लाइकिंग इट? आई लाइक इट. थैंक यू. तो ये लेयर्स पे बेसिकली ये मैसूरी नेट पे जैकेट है पूरी. इसके ओवरऑल काम हुआ है. इसके नीचे ए लाइन शर्ट है और फिर नीचे शरारा है इसके. और इसके दुपट्टे पे ओवरऑल सारा तरफ काम हुआ है, सारा हैंडमेड है. अच्छा, और ये अगर पीछे से देखें तो रियली लवली. ये दुपट्टा बहुत खूबसूरत है. मैं इफ़ यू अलाउ मी, मैं इसको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ आपको. प्लीज़ देखिए, बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत. अमेजिंग शर्जील. जी सर, शर्जील का जो आउटफिट बेसिकली हमने जैसे पहले आपसे डिस्कस किया था कि लोग कलर इतने वेयर नहीं करते, रेड हो गया, मरून के शेड्स हो गया, तो क्रिएट दैट लुक के ये भी कलर आप पहन सकते हैं. तो इसलिए हमने मरून के साथ ब्लैक ट्राउजर यूज़ किया क्योंकि ब्लैक मरून के साथ पेयर अप हो सकता है. और काम देखें ना, मिनिमल है. आप कोई भी शादी जितनी भी एज वाला करें, मतलब नॉट एज वाले के साथ शादी होगी तो ये वेयर कर सकते हैं. सोबर लुक भी है. वेरी नाइस. हाउ डू यू थिंक? या अमेजिंग अगेन. बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. तानिया, तानिया एंड अदनान, तानिया एंड अदनान. एंड आई लव दिस आल्सो. बहुत अच्छा है यार. तानिया के आउटफिट में हमने सारा फैब्रिक से खेला है. इट्स वेरी हैवी फैब्रिक. ये अटलस का नंडी है. वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस. कौन सी करंडी है? अटलस करंडी. ओके. अच्छा, ये बहुत ज्यादा इस तरह से ये नीचे कैन लगा है. ओह वाओ, गिव दैट पफीनेस जो आ जाती है. वाओ, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेल. अच्छा, ये पहनने में इतना हैवी नहीं होगा बट इसकी लुक बहुत हैवी है. एग्जैक्टली, वो फैब्रिक से प्ले. इट्स अ वेरी लाइट वेट ड्रेस बट है ना, ये इसकी लुक बहुत हैवी है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अदनान की जो आउटफिट है, जैसे हमने पहले बात की थी कि शेरवानी शॉर्ट लेंथ भी बन सकती है, तो एग्जैक्टली आपके सामने शॉर्ट लेंथ शेरवानी है. और जो फैब्रिक हमने यूज किया एग्जैक्टली करंडी अतलस है, खुद का क्रिएटेड फैब्रिक है. कौन सा? करंडी अतलस. अगेन द सेम फैब्रिक, सेम फैब्रिक. ओके, थैंक यू सो मच जी. इकरा प्लीज कम फॉरवर्ड एंड उमर. अच्छा, If you were to ask me, सभी बहुत अच्छा है, but I love this one also. बहुत खूबसूरत है, बहुत different है. Thank you, जी प्लीज. इकरा ने जो है नेट की साड़ी पहनी हुई है. ये सारा हमारे इनहाउस लेजर कट फैब्रिक हुआ हुआ है पूरा पहले, उसके बाद इसमें हैंड एम्बेलिश किया हुआ है और बाकी इसके ओवरऑल मोटिव है मशीन एम्ब्रॉयडरी एंड हैंड एम्ब्रॉयडरी आल्सो. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. और थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा जो अदनान ने आउटफिट पहने, अगर आप इसकी ज़ूम करके, उमर सॉरी, जो इनकी शेरवानी का फैब्रिक हमने यूज़ किया है, इसको काम के थ्रू हम फैब्रिक को इनहेंस करने की कोशिश की है. अगर आप देखें तो सिमिलैरिटीज है. वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस. फारा एंड आसिम प्लीज. थैंक यू लाइव. एंड आई लव दिस, बहुत खूबसूरत है. फारा राइट, वेरी नाइस. फारा ने फ्रंट डिफरेंट कलर है एक्चुअली जो इन्होंने वेयर किया हुआ है. फारा ये बहुत डिफरेंट कलर है. ये हम मतलब आप मेहंदी में पहन सकते हैं, मायों में भी पहन सकते हैं. Really? हाँ, या आप शादी में भी पहन सकते हैं. Yeah. But brides भी तो पहन सकती हैं ना. I'm sure अगर इस दुपट्टे को ऊपर ले लिया जाए तो स्टाइलिंग डिफरेंट हो सकती है. बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. I love it, I love it. जी प्लीज. ये फ्रंट ओपन जैकेट है, इसको आप शरारे साथ पेयर अप कर सकते हो, सिगरेट पैंट साथ पेयर अप कर सकते हो. और ये पहले पूरा मशीन एम्ब्रॉयडर्ड हुआ है, उसके बाद हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हुआ है सारा. और इसको मरून के साथ पेयर अप किया ताकि कलर दोनों कॉम्प्लीमेंट करेंगे दूसरे को. और जो अदनान ने जो आउटफिट पहने हैं, एक तो जो इनका काम है, आसिम, आसिम सॉरी, व्हाई डू यू रिमेंबर अदनान? सो मेनी पीपल इन द हाउस. व्हाई आर यू सेइंग अदनान? दिस इज द सेकंड टाइम यू हैव सेड अदनान. आसिम
This is the first time. This is awesome. Sorry, Asim साहब ने जो outfit पहना है, तो basically इनकी body को रख के हमने एक outfit design किया, क्योंकि देखें थोड़े bulky से हैं और black trousers use किया ताकि उनकी body एक shape में, एक proportion में लग रहा है, बहुत बहुत proper fitted है, बहुत अच्छा है, बहुत very nice, very cool. अच्छा, इसको कितने दिन लगते हैं बनने में? So depend on the हालात. But really, I mean, इसको 1 month minimum 1 month. Even Sherwani. जी, with the 2 trials. Why is that? Because ये जो काम कर रहे हैं बहुत बारीक काम हुआ है. It's a very intricate work. अच्छा. जी. It's all handwork, right? Yes, exactly. So this is जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, this is all handwork. Yeah, all handwork. Wow, और हमारे मुल्क में होता है यार ये काम, हमारे मुल्क में होता है. बहुत है. इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं. आप लोग मुझे एक छोटे से ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद एक इनके जो ब्राइड ग्रूम वॉक है वो ज़रूर हम दोबारा करवाएंगे. यू गाइज हैव टू, आप लोग ज़रा पीछे चले जाइएगा. थैंक यू. मैं दोनों से, सुंदर से और इनसे रुबाब से ले पूछना चाहूँगा, इफ़ यू वर टू पिक वन आउटफिट वो कौन सी होगी? ज़रा ये देख लीजिएगा, रुबाब आउटफिट पिक करने जा रही है, कौन सी होगी? सेकेंड वन, बिकॉज आई लव फर्स्ट वन ऑल्सो, बट द सेकेंड वन इज क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा लाइट वेट है और आप हर जगह इसको पहन के इजीली जा सकते हैं. ओके, यू फर्स्ट वन. द ग्रूम साइड, व्हिच वन? आई थिंक आई लव दिस बोथ, द मरून वन एंड द ऑफ वाइट वन. द मरून एंड ऑफ, ओके. यू द थर्ड वन, दिस वन, द मिडिल वन. ओके, ऑलराइट जी, छोटा सा ब्रेक है जी. मेरे पास जो कपड़े हैं वो यही हैं, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है. यही कपड़े हैं जी, आप लोग मॉडल वोड लो तो आप लोग कुछ भी पहन लो अच्छा ही लगेगा. मेरे लिए थोड़ा मसला होता है. छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी आते हैं. Ladies and gentlemen, let's put the music on and please put your hands together for Bilal and Zaybi. Is kadar mujhe tumse pyar hai bin tere jeena, taaliyan zor se honi chahiye. Tu jo mujhse beautiful outfit do jahan wale, they are wearing deepak and fahad, unbelievable. Please put your hands together for Sharjeel and Papiha. Once again, wearing Deepak and Fahad. दो जहां बार दूं, गम हो या हो खुशी बस.
Umar Malik. मैं प्यार नहीं कर सकता, बस मर सकता हूँ। हमारे पास इतनी जगह नहीं है, बट प्लीज़ अगर आप दोनों वहाँ चले जाएँ, रुबाब वारंट यू कम ऑल्सो, ये मूव कर दीजिए सब, ताकि हटा दें इधर से, प्लीज़ हटा दीजिए सबको हटा दीजिए, यू डोंट हैव टू, सब लोग इधर आ जाओ ना, कोई हेल्प कर दे मुझे, मोहम्मद आओ, शानी आओ, हटा दीजिए, लेट्स जस्ट टेक दिस ऑफ, हटा दीजिए, और मेरे ख्याल में, हाँ जी, देयर यू गो, हम लोग इसी तरह से थोड़ी सी वॉक ले सकते हैं इनके साथ, आप लोग पीछे हो जाइए, बिल्कुल पीछे हो जाइए, आप भी थोड़ा सा फैल जाइए, बिकॉज इतनी मेहनत के बाद ये तो बनता, पीछे चल जाइए, उधर चलिए, आपने उधर जाना मैम, यहाँ कहाँ रही हैं, हाँ ठीक है जी, ओके, एक दो, अरे सर मैं तो होस्ट हूँ सर, पहनावा तो मैंने आप ही कहा, सो Aji, shall we? 1, 2, 3, roll the music. पोजीशन ले लीजिए, आई वांट टू टॉक टू दीपक, रुबाब एंड फहद, प्लीज टेल कैसा लग, कैसा रहा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, इंशाल्लाह आप लोग ऐसा लगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी बुलाएंगे तो डेफिनेटली आएंगे, मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, फहद बहुत फनी एक्सपीरियंस था, म्यूजिक बहुत मजा आया, यू लाइक इट, आपको आप लोगों का मैं मॉडल से जितने सुंदर, हाउ डू यू लाइक इट, कैसा लगा, बहुत ही आला, मतलब आंखें जो है वो बड़ी सुनहरी हो चुकी हैं, बहुत खूबसूरत हो गई हैं आंखें, इतने खूबसूरत लिबास थे, आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा था, स्पेशली ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, कलेक्शन बहुत अच्छा था, वेयर करने में मजा आया, तो हम लोग बॉम्ब बनाने की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा था, थैंक यू, बहुत अच्छा था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, एंड सो यू, सुपर्ब कलेक्शन, सुपर्ब कलेक्शन, बहुत अच्छा था कलेक्शन, एक्सीलेंट, ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, लेकिन आपके शो में आके उसको 4-4 और लग गए, आप जरा यहां आइए, बिलाल से बेहतर डांस परफॉर्मेंस कोई नहीं कर सकता, एंड आई वांट बिलाल टू डू इट सोलो, कोई भी नहीं करेगा बिलाल, यस अभी गाना लगाओ जरा, तू जो मुझसे कहे,
बातों में बातें तेरी।